असलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम है आपका शम्स तबरेज़ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों काफ़ी दिन हुआ है वीडियो नहीं आई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसमें अपडेट भी कर दी थी कि काफ़ी मसरूफियात हैं, मैं दूसरी सिटी गया हुआ था, तो इस वजह से जो है वीडियोज़ अपडेट वगैरह आपको नहीं दे सका। लेकिन अब जो है पहले की तरह आपको रेगुलर अपडेट वगैरह रखूँगा। तो आज जो है बात करने जा रहे हैं कि मार्केट ने पम्प किया और जो डंप किया है, इसमें बेसिकली रीज़न क्या बनी है। काफ़ी लोग जो है एलन मस्क को बुरा भला कह रहे हैं, तो उसको कह रहे हैं कि उसने जो है 75% अपना सेल कर दिया है। तो इसमें मैं कंप्लीट आपको जो है हकीकत बताऊं, सारा कुछ आपके सामने जो है खोल के रखता हूं, आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस तरह जो है आपने इस चीज़ को हैंडल करना होता है। ऑलरेडी इस चीज़ को मैंने जो है बताया हुआ था आपको कि आपने जो है ग्रीन कैंडल्स को चेज नहीं करना, फिर भी काफ़ी लोगों ने जो है क्या किया, उसी तरह जैसे उनको लगा कि अब मार्केट जो है बुलिश चल पड़ी है, तो उन्होंने जो है ग्रीन, जब मार्केट ऊपर गई हुई थी ग्रीन कैंडल उन्होंने चेज की, उसके बाद जो है उनका अपना फिर से लॉस हुआ और अब एलन मस्क को बुरा भला कह रहे हैं। तो एलन मस्क को बुरा भला क्यों कह रहे हैं, वो एक बिजनेसमैन है, उसने अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी के मुताबिक चलना होता है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कोई कसूर नहीं है। वो अगर मतलब एक हाइप दे के अपने टोकन वगैरह सेल करता है, लेकिन अभी आपको ये भी मैं कन्फर्म करता हूँ कि उसने Q2 में टेस्ला की अगर बात करें तो Q2 में उसने जो है सेल किए थे। अभी के लिए अगर बात करें तो अभी के लिए मतलब काफ़ी टाइम गुजर चुका है, अभी उसका जो है इम्पैक्ट अगर मार्केट में आप देख रहे हैं तो आपको जो है गलत फहमी है। तो यहाँ पे अपने सिस्टम में मैं चलता हूँ और वहाँ पे आपको कुछ न्यूज़ दिखाता हूँ जिससे आपको जो है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो है बाकी बात करते हैं। सबसे पहले जो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एज ऑफ द एंड ऑफ Q2 यहाँ पे जून के एंड में तकरीबन जो है कन्वर्ट किए थे 75% ऑफ अवर बिटकॉइन, जो कि टेस्ला अभी के लिए ये न्यूज निकाल रही है। क्यों निकाल रही है अभी के लिए, अगर देखें तो ग्रे स्केल का मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये कितना बड़ा होल्डर है मतलब बिटकॉइन का, इसके बारे में आपको पता लग जाएगा। बिटकॉइन कुड सी अनदर 5 to 6 months ऑफ डाउनवर्ड और साइड वेज प्राइस मूवमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी के लिए ग्रे स्केल भी इस तरह की बीरिश न्यूज जो है काफी अभी के लिए निकल के दोबारा से आने लगी है, क्योंकि मार्केट जो है बाउंस बैक कर रही थी, इस वजह से जो है ये न्यूज खुद ब खुद निकाली जा रही है। या आप देख सकते हैं कि जो कि एलन मस्क के 75% आप टेस्ला की बात करें 75% Q2 में सेल किए गए थे, लेकिन न्यूज अब निकल के आ रही है। अब जो है आपको मैं क्लियर करता हूं, यहाँ पे bitcointreyery.net के नाम से एक वेबसाइट है, यहाँ पे अगर देखें तो सबसे बड़ा होल्डर कौन है, माइक्रो स्ट्रेटेजी। यहाँ पे देख सकते हैं इसके पास तकरीबन 1,29,000 बिटकॉइन जो है पड़े हुए हैं। उसके बाद जो है टेस्ला, और अगर इसी तरह देखते हैं टेस्ला के पास कितने हैं, तकरीबन 10,800 जो है बिटकॉइन होल्डिंग में है, 1,29,000 और 10,000, आप ये देखते जाइएगा। इसके बाद अगर मैं नीचे चलूं और डिफरेंट मतलब पोर्शन में इसको डिवाइड किया हुआ है कंट्रीज के पास देखें, यूक्रेन के पास, सल्वाडोर के पास और जॉर्जिया के पास भी, ये देख सकते हैं कितने कितने बिटकॉइन है। यहाँ पे यूक्रेन के पास सबसे ज्यादा है, जो कि अभी रिवील किए हैं हर हुकूमत ने, हर गवर्नमेंट ने तकरीबन जो है, मुझे लगता है अब इंडिया की बात करें तो इंडिया गवर्नमेंट ने कोई बिटकॉइन होल्ड नहीं किया होगा, जरूर किया होगा लेकिन अभी तक रिवील नहीं किया। तो काफी लोगों के पास जो है ऐसे भी वॉलेट या होल्डर हैं जिन्होंने रिवील नहीं किए हुए, देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे 3 कंट्रीज दी हुई हैं। लेकिन आपको क्या लगता है सिर्फ 3 कंट्रीज के पास होंगे, बाकी भी बहुत सारी कंट्रीज के पास हैं लेकिन उन्होंने अपने शो नहीं कराए। ETF की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रे स्केल जो कि न्यूज निकाल रहा है, इसके पास अगर बात करें तो तकरीबन यहाँ पे सबसे बड़ा ETF में सबसे बड़ा जो है होल्डर यही है ग्रे स्केल, 7,369 बिटकॉइन जो है इसने होल्ड किए हुए हैं। अभी के लिए यही नहीं है, लेकिन अभी आप और भी देखिए टॉप 100 जो है रिच लिस्ट में जो बिटकॉइन के वॉलेट हैं उनको आप जरा देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितनी क्वांटिटी है, 2,52,000 जो है बाइनांस के कोल्ड वॉलेट में पड़ा हुआ है। इस तरह एक्सचेंजेस की बात करें तो देख सकते हैं कि बिटफिनिक्स का कोल्ड वॉलेट में जो है 1,68,000 बिटकॉइन जो है होल्ड पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे बाकी है, देख सकते हैं अननोन वॉलेट भी हैं जिनमें जो है देख सकते हैं 69,000 बिटकॉइन पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जो है एलन मस्क की अगर आप बात करें तो टेस्ला के पास कितने थे, यहाँ पे देख मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 10,000। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा समंदर है जिसमें मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन, टेस्ला या एलन मस्क एक वेल भी कंसीडर मैं करूंगा। यहाँ पे अगर इस हिसाब से देखा जाए तो एक वेल भी नहीं बनती जितना बड़ा समंदर है बिटकॉइन का, क्रिप्टो का।
तो एलोन मस्क क्या करता है, 44 मिलियन की डील जो है उसने इजीली जो है कैंसल कर दी। उसके बाद अगर देखें तो 936 मिलियन उसको कोई मतलब कि यहां से 936 मिलियन अगर उसने इस तरह डंप पंप करना होता तो इसके हाथ की मैल है, सिर्फ 1 बिलियन, अगर 936 मिलियन देखें तो 1 बिलियन के करीब ही बनता है। $1 बिलियन उसके लिए कुछ भी नहीं था, इतना अगर उसने सेल किया है इतने लो प्राइस पे तो उसकी कोई रीजन भी नहीं बनती मार्केट को पंप या डंप करने की। तो इस बात को आप ना देखें, मार्केट बाउंस बैक कर रही थी उसके बाद जो है ऐसी न्यूज चल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट को एक मतलब के डंप और देना चाहते हैं। वेल्स भी सारे एग्री हैं और सारी सारी बड़ी इंस्टीट्यूशंस भी इस बात पे एग्री हैं कि मार्केट को अभी मजीद डाउनवर्ड जाना चाहिए, उनकी बाइंग नीचे से होनी चाहिए। मैंने जैसा कि आपको बताया कि अभी आप जो है टोटल बाइंग ना करके रखें, अपनी अभी देख सकते हैं 30% 40% बाइंग करके रखें, आपको ये मतलब कि आप समझ रहे होंगे डिप है, लेकिन डिप की मजीद आपको जब आप बाय करते हैं तो डिप मिल जाती है। तो इस वजह से जो है आप इस चीज को समझिए कि यहाँ पे बहुत बड़ा समंदर है, बहुत से अननोन वॉलेट्स हैं, बहुत सी जो है और भी चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं। यहाँ पे सारा कुछ एलोन मस्क पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो जस्ट मुझे नहीं लगता कि अपनी मार्केटिंग पे इतने पैसे वेस्ट करता है, वो सिंपल ट्विटर के थ्रू ही अपनी मार्केटिंग वगैरह भी करता है और सारा कुछ एक ट्वीट करके जो है अपना सारा काम जो है कर लेता है। तो इस चीज से अपने मैंने आपको काफी दफा बताया है कि आपने हाइक से जो है बचना होता है। आप देख सकते हैं कि अभी भी अगर बात करें तो कोई मतलब के 936 मिलियन कोई वैल्यू नहीं रखते कि इससे जो है इतना बड़ा पंप डंप ले आया जा सके। सिर्फ क्या थी, न्यूज थी जो कि उन्होंने निकाली है। ज्यादा इंपैक्ट किसने किया है, न्यूज ने किया है, वरना अगर बात करें तो उन्होंने Q2 में सेल किए थे, उससे उस वक्त जो है कोई फर्क, थोड़ा सा फर्क तो बड़ा होगा मार्केट पे, लेकिन इतनी बड़ी मार्केट कैप पे जो है इतना फर्क इसको नहीं पड़ना चाहिए था, जो कि पड़ा भी नहीं होगा जब इन्होंने सेल किए थे। अब जो है न्यूज बेसिकली जो आपको मैंने बताया, आजकल मार्केट जो है क्रिप्टो मार्केट न्यूज एंड अपडेट्स पे चल रही है, वही आपके साथ मैं डे टू डे शेयर कर रहा हूँ। तो आप जो है मार्केट के सेंटिमेंट्स देखिए, उसके बाद जो है अपनी, जैसे आपको अब जो है एक पंप मिला था आप अपने कुछ सेल कर देते, अब जो है नीचे आके बाय कर लेते। अगर आपको यहाँ पे देख सकते हैं 16% तक तकरीबन बिटकॉइन जो है आप गया हुआ था, तो आपको चाहिए था आप अपना प्रॉफिट बुक करते और नीचे आके दोबारा से उसको बाय कर लेते। तो यहाँ पे जो है आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। अभी आप क्रिप्टो में न्यू है इस वजह से आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन इन चीजों को देखिए। ग्रीन कैंडल्स कभी भी चेज मत किया करें, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, और हाइप से हमेशा बचा करें। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि एलोन मस्क ने कुछ यहाँ पे गलत नहीं किया, उसने अपना सिंपल बिजनेस स्ट्रेटजी के मुताबिक जो है अपना काम करता है और हर बिजनेसमैन यही करता है, उसमें उसका फायदा ही, वो अपना फायदा ही देखता है, कोई भी दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं होता। यहाँ पे एक बड़ा समंदर है और उसमें अगर देखा जाए जितने रिवील किए हुए हैं उसके बैक एंड पे तो होंगे टेस्ला के पास, ये नहीं मैं कह रहा कि सारे उसने रिवील किए हुए हैं, तो यहाँ पे काफी तो उसके पास होंगे, लेकिन अभी के लिए अगर जितने रिवील किए हुए हैं तो उसमें जो है इनकी बहुत कम क्वांटिटी है, थोड़ी सी। इतनी क्वांटिटी पे अगर आप हाइप में आ जाएंगे तो आपका फिर जो है लॉस होना ही होना बनता है। तो इस बात को जो है अपने माइंड में रखिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।